दीजिए मुझे। गिर जाता है तो फिर कभी पुनः वो डाले में जुड़ता नहीं है। कहना है कैसे गजल की लाइन में, वह गजल बात बोलो प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात बात। प्रेमी अपने प्रेमिका से कहो तक सूत गए लागत ढेर नहीं दी आई बड़े कौन दिक्कत में कमी पतानी बढ़ गई लगा था। आशिक अपने मासुका से कहता का कहला हरे आई से कैसे हो Thank you.
सुखिया देवी, श्रीमती सुखिया देवी जी की ओर से। ये 21 रुपए का आशीर्वाद दुलार प्यार चरण कोट को चरमन हो माता जी के साथ साथ सबके प्राम भाव। हर दिल के तिजोरी में पाप के खजाना बा, सिर्फ के ज्वाला में जर दी जमाना बा। ए बाबूजी आजकल ये हो गई बा, सबके अंदर हर किसी के अंदर हर किसी के प्रति जलन की भावना पैदा हो चुकी है। अगर कोई एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो चार गो आदमी मिलके उनका पैर के पीछे खींचे में लागल बा, सोचने कि कैसे वो हमारा से आगे बढ़ी हो। अगर वो हमसे आगे जाए तो हमार कदर ना करी, हमार कोहल ना करी, हमारे आगे हाथ ना फैलाई। इतना जलन की भावना हो गई हो। कहानी केकर बा, कहां के बा, इन नजम के लाइन में बतावे के बा।
बात हमारे एगो सुगा आ एगो सुगनी उस सुगा सुगनी अपने में बात करत हुआ सुगा कहत हुआ कि ये हमार प्यारी ये हमार रानी पनिया कपले तो ठीक पड़ी जालवा अच्छा डीजलवा पानी में गाड़ी में पड़े अच्छा इहो ठीक बा सुग्गा कहला कि हमार प्यारी कोनो ऐसन बात बताओ कि हमने के आगे के समय कट जाए तो सुगनी कहत है कि हे पति देव हे स्वामी अगर आप सुनले चाहते हैं तो एगो हमसे बात सुनी बतावे थे उस सुगनी बतावे कि ई हवा बा उ हवा नहीं थी इतना बात कही के उ पंछी के दुनो जोड़ा उड़ गए सुग्गा सुगनी जब उड़ गई ये बतिया के सुन के राजा साहब समझ गए आज जब समझ गए तो राजा साहब सोचत हम कि अरे दादा हो दादा ये कुल का कहते रहते हम सब कहत हम सब कि हवा बा उ हवा नहीं थी लागत ना कोनो खूंखार जानवर न हो कहतर सके हवा बा हवा नहीं खे आई तो हमके मार काट के चीर फाड़ के खा जाए हमार तनकियो ई ना लगे पता ना लगे कि हम कहाँ गए हैं इहे बतिया भैंस सोते थमन मनवा में तोले धीरे 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 दूसरा पहर आ गए आज जब दूसरा पहर आए तो भैल का गीत बदल गए मेहरारू के मरण रेलवे का ड्राइवर मिल गई अरे हाँ हो रेल मतलब ट्रेन ट्रेन का ड्राइवर मिल रहे हैं जोना के हिंदी में कहल जल लव पथगामिनी ना ना हो करना रेल मतलब ट्रेन का ड्राइवर मिल गए जब ट्रेन का ड्राइवर मिल गए बेचारा गवना करा के मरत आ मेहरारू के घरे बैठा के अपने चल गए ड्राइवरी के नौकरी करे यार मेहरारू रोज रोज की रोज करियावतिया करे जाए मुंह फुकाउनो तोहरा जवान तोहरा कमाई में आग लगो तोहरा ड्राइवरी के नौकरी में आग लगो रोज रोज हम हेजा ढहकत हली अब तू हो जा ड्राइवरी के नौकरी करत तनको तुम्हारा समझ में नहीं आवत के मेहरारू के घर छोड़ के आई बने मर्दा के दो चार पांच महीना के बाद छुट्टी मिलल वहां अपने नौकरी से मर्दा जाए सोचता घर सोचता कि काल लेके जाए कि अपने मेहरारू के हम खुश कर दे मेहरारू हमर नाराज ना हो खूब सुंदर एगो स्टोन वाला साड़ी खरीद ल तुम्हारा आ साड़ी लेके घरे गए जाके घरे मेहरारू के देता कहता ये हमार प्राण प्रिय देखा तोरा की कितना सुंदर साड़ी लेके आई है तने पहन के दिखावा ना कि कितना छकास लागत है रे तब मेहरारू साड़ी लेके हाथे से फेंक देलस कहते जाए मो फुकाउनो तोरे कमाई में आग लगो तोरे कमाई जल जावे एजा तोके पता हो कि हम कितना ढकत हैं आ तू अजे गया वत तले नौकरी करके त साड़ी दिखावो तरह साड़ी फेंक देस मेहरारू एथे बात करत का Yeah.
परम आदरणीय श्री विनोद यादव जी, आपकी तरफ से पुष्प पखड़ियों में उठा हुआ हाथ और 51 रुपए का दुलार प्यार, लेकिन वही दूसरा पहर में आप लोग हमारे बिरहा पे गौर कर जा, अब हमारे बिरहा समझ में ना आए, एक कहानी लास्ट में समझ में आवेगा। एक आल्हा में आप घड़ी में पता चली कि हाँ एक असली मूल्य चीज का, लेकिन वही दूसरा पहर में आके लगभग 12-1 बजे के समय वही 40 पे आकर के एक हंस हंसित के जोड़ा बैठ गए। हंस हंसित के जोड़ा भी आपस में बात कर रहा था, हंस अपने हंसित से कहा था कि ये हमारे प्यारी कौन ऐसा बात बताओ कि हंसी के आगे का समय कटे। हंसित बतावेगा कि हे पति देव, अगर आपको सुनने चाहते हैं तली है बात सुनी, इहे बता बात बतावत दिया कि उ हवा पाई हवा नहीं खे, और इतना बतिया कह के और हो पंछी के जोड़ा उड़ गई, हंस हंसिन का जोड़ा उड़ गई। जब उड़ गई तो राजा साहब अपने मनवा में सोचत हवा कि अरे दादा हो दादा ये पहला इला हंसा तो कह के गई हंसा कि हवा पाऊ हवा नहीं खे, आई दूसरा कह के जात हो सकी हवा पाई हवा नहीं खे। आखिर में बात क्या है कोनो जरूर बरियारे में तरवा, ये बतिया मनवा में अपन सोचत हुआ तो बोले धीरे 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 तीसरा पहर आ गए, हुआ क्या तेरी में बताना है। हवा ना मुहावरा
जीवन। जब तीसरा पहर में भी पंछी के दोनों जोड़ा मोर और मोरनी के जोड़ा आपस में ही बात कर, मोरनी बतावे कि न ई हवा बा न ऊ हवा बा, इतना बतिया कही के वो दोनों जोड़ा फिर से उड़ गई। आज उड़ गए राजा साहब अपने मनवा में सोचे फोन करिए दादा हो दादा ई कुल कैसा अंडे बंडे सवाल करत हवा सा कोनो कहो तो पहला आई ल तो कह के गई कि हवा बा ऊ हवा नहीं खे, दूसरा आई ल तो कह के गई कि हवा बा हवा नहीं खे, आई तीसरा आई ल तो कह के गई नहीं हवा बा ना हवा बा। आखिर में बा इहे बतिया के सोचत हुआ, ऐसे ही सोचत 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 सबेर हो गए। आज जब सबेर भइल त शिकार खेले के विचार त मन से हटी गए, दिमाग से उतर गई। खाली इतना ख्याल रहे कि हमके वो सवाल के जवाब ढूंढे के बा, कैसे हो करके मिले बा कि मिले। अब राजा साहब जैसे ही सबेर भइल कैलन का पहपट में बतावे राजा साहब कैलन कहा अपन घोड़ा के लेके हरे भाई ये बिहार तब राजा चले राज दरबार के। जब राज दरबार में चले गए राजा साहब अपने मंत्री जी को बुला करके कहते हैं मंत्री साहब पूरे राज्य के लोग के बुला करके आई तू ऐलान करवा दा थी घोड़ा पिटवा दा कि हमारे मन में तीन गो सवाल है, उस सवाल के जे जवाब दे दही ओकरे नामे हम अपन आधा राज्य लिख दे। आज जब सवाल के जवाब ना दही ओकरे के हम कोढ़ों में पिरवा दे। इहे बतिया कह थवन तब मंत्री जी के तो उनका आदेश का पालन करहे के रहा। मंत्री जी कहलन का अरे हुआ ऐलान तब राज्य के अंदर अब उत्तर कोई बताई है हो आयाद हा राज्य के मालिक उन्हें राजा तुरंत बनाई है हो अरे खुलल मत सब कर पत्र ज्ञान खजाना वा मन न मानना सब कैसन उल्टा पूछत आज ना दही हो के कोहरू में पेरवा दी हाँ ये ऐलान करवा देना सवाल बता देना कि उनका पहला सवाल हो दूसरा सवाल हो उहां बा यहां देखे और उनका तीसरा सवाल है कि नहीं हवा बा न हवा बा। इहे उनका तीनों सवाल हो। इस सवाल के सुन के सब लोग दंग रह गए और आप लोग तो जानते हैं कि राजा महाराजा लोग के राज दरबार में ऋषि महर्षि लोग रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं। सब ज्ञानी लोग का पोथी पदरा बंद हो गई, सब केहू अपन पोथी पदरा बंद करके कहल अब घरे की ओर लौटल हूँ। अपने घरे गई हम तो भइल का आधा में बतावे के बाद Thank you.
बैठा के बैठल चुपचाप उनकर बिटिया एगो नाम रहली बिटिया के नाम रहे विद्यावती। वो बिटिया विद्यावती गिलास में पानी लेके आईली बाबूजी हाई पानी पीली। लेकिन पंडित जी कहत हमन की ना बेटी हमके प्यास नहीं थे। बिटिया विद्यावती कहली कि ये बाबूजी हम रोज रोज पानी दहिला ताप बहुत प्यास से पी लहिला। आज आखिर में का बात बा कि आप कहत रहे कि हमके भूख नहीं थे प्यास नहीं थे। कौनो गलती हमसे भइल होके तो आप बताई अना का अगर कौनो चिंता होके तो बताई। यह बात बिटिया विद्यावती पूछत है पंडित जी छुपावल चाहत हो कहत हमन कि ना बेटी ऐसा कोनो बात नहीं है कोनो ऐसा चिंता के बात नहीं है जो हम तो से छुपावत है भुलवावल चाहत हमन। लेकिन बिटिया विद्यावती कहलत कि ना बाबूजी आज ही बतिया के तुमके बतावे के पड़ी। पंडित जी बतावत हमन कि ये बेटी हमारे राजा साहब के तीन को सवाल है वही सवाल के जवाब पूछ ले हवन हमारे राजा साहब पूरा राज्य के लोग से ऐलान करवा ले हवन कि जो उनका सवाल के जवाब दे दही ओकरे नामे आधा राज्य लिखवा दी है कहली कि ये सवालिया का जवाब हम एक मिनट में बता दे चुटकी में बता दे। पंडित जी बड़ा खुश भइलन कहलन कि ये बेटी चलन में बता दे सबकर सांस प्राण टंगाइल बा कि राजा हमने के कोल्हू में पेरवा दे बता दे तू तो पूरा संपत्ति आधा तुहार हो जाई हमने के चरणों में बच जाए। इतना बात कहा तुमन लेकिन बिटिया विद्यावती कहली कि ऐसे ना। तब पंडित जी कहो तुम्हारे तब कैसे बिटिया विद्यावती कहली कि पहले अपना राजा साहब कहे जा अपने राजा साहब कहे जा के कही कि राजा साहब हमार बिटिया तोरे सवाल का जवाब दी। लेकिन ओकरे खातिर 5 दिन के समय आप 25,000 रुपया मांग के ले। पंडित जी कैलान राजा साहब के दरबार में कहलन कि राजा साहब पैसा कमा लेती हो। वो नाचे वाली नर्तकी बोलती है कि यही कोई 2 से 4 हजार रुपया तक कमा लेती है दिन भर में नृत्य गान करके। बिटिया विद्यावती कहली कि तोहके हम 1 दिन का 5,000 रुपया दे लेकिन तोहके हमार संगे चले के पड़ी। दौड़ता भागता हाफता आ रहा है खूबे हाफत
रहे, खूब दौलत भागत आवत रहे, बिटिया बिटियावती पूछली अरे काहे भैया काहे बड़ा हाफत दौलत भागत आवत हुआ। वो कहलत, वो हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति बोलता है कि अरे बहिन अगर हम ना दौड़े भागव तो है जवन कौवा के लगवा बड़ा ये हमके पकड़ के गोठन बाबा बना के कूट दी है, यही खातिर भागत है। तो ले गांव के लोग जुट गए, आ करके सब लोग अपना अर्ज सुनाने लगे, बिटिया बिटियावती पूछते कि अरे भैया काहे इनकरा के लोग खेदले हुआ हो। तब गांव के लोग अपन अर्ज सुनावत हवन कि ये बहिन केहू कहत है कि ये बहिन तू ना जन कोई बहुत बड़का चोर है, केहू बतावत है कि हमार रुपया पैसा चुरौले है, केहू बतावत है हमार गहना गुड़िया चुरौले है, आ केहू बतावत है कि हमार भाई से अपन सब केहू अरज गरज सुनावत है। बिटिया बिटियावती कहली कि जितना आप लोग के नुकसान हुए है हम आप सबके भरपाई कर देते हैं, लेकिन आप लोग इनके छोड़ दीजिए। छोड़वा के वो चोरवा के भी लेके चल दिली। आज पांचवा दिन पूरा हो गया बा, राजा साहब से पांच दिन के मोहलत मांगल रहे, टाइम मांगल रहे कि पांचवा दिन तोरे सवाल का जवाब हम तोरे राज दरबार में दी। पांचवा दिन आज हो गई, वो वेश्या के लेके उस साधु बाबा के लेके वो चोरवा